Hello student, good morning. Today we will learn standard 7 maths chapter number 1 integer. Okay, introduce to dekhte hain aaj. Okay, let's see 1 2 3 up to infinite numbers are called natural number. Humne dekha tha 5th standard mein humne natural numbers padha tha. Okay, ki 1 se jo start hota hai usko hum natural number bolte hain. नेक्स्ट 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर. कि हमने 6th स्टैंडर्ड में होल नंबर पढ़ा था कि जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम बोलेंगे होल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड 7 तो हम इंटीजर पढ़ेंगे. ओके, तो इनफाइनाइट 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि इसको पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो नंबर आर कॉल्ड इंटीजर नंबर. ओके, इंटीजर नंबर में 3 नंबर्स ऐड होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ओके, जीरो है वो उसको पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते और नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, उसको हम ओनली फॉर जीरो ही बोलेंगे. ओके, यानी कि 3 टाइप नंबर्स उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स नंबर्स. ओके, हम अब देखेंगे नंबर लाइन. कि हमने 6th स्टैंडर्ड में नंबर लाइन जो पढ़ी थी वो 0 से स्टार्ट होती थी. अब हम पढ़ेंगे यानी कि माइनस टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव लर्न करेंगे. ओके, तो यानी कि हम माइनस 4, यानी कि पहले फर्स्ट टाइम हम लिखेंगे 0 बीच में. ओके, मिडल 0 रखेंगे और 0 के बाद राइट साइड हम लिखेंगे 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स. ओके, अब हम जब असेंडिंग होगा नंबर में, असेंडिंग यानी कि हम ऐड करेंगे, जब हम नंबर्स ऐड करेंगे तब हम किस साइड जाएंगे, राइट साइड. ओके, राइट साइड. अब हम जब लेस करेंगे यानी कि सबट्रैक्ट करेंगे तब हम किस साइड जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड. ओके, लेफ्ट साइड जाएंगे नंबर लाइन में, राइट साइड और लेफ्ट साइड. राइट साइड का कौन आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर आते हैं. ओके, अब हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव साइन यानी कि प्लस प्लस. ओके, एड प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस. ओके, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल. तो फर्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे 5 प्लस 2 यानी कि प्लस प्लस, दोनों के पास प्लस की साइन है तो हम प्लस प्लस का क्या होगा, प्लस ही होगा. 5 प्लस 2 7. ओके, नेक्स्ट सेकंड हम देखेंगे माइनस माइनस की साइन वाला एग्जांपल देखेंगे. ओके, -7 -4 इज इक्वल टू, यानी कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा. हमने लिखा है ना माइनस माइनस प्लस होगा, तो -7 -4 क्या होगा, -11. साइन साथ में होगी बिकॉज ऑफ दोनों के पास माइनस की साइन है. ओके, थर्ड नंबर का एग्जांपल अब हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर यानी कि 4 लिखेंगे और माइनस की साइन वाले 3 लिखेंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 4 - 3 क्या होगा, 1. नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर का एग्जांपल देखेंगे तो कि -4 + 3 सेम ही लिखा है, बट माइनस प्लस भी माइनस ही होगा, 4 - 3 - 1 होगा, बट बिग डिजिट का साइन यानी कि माइनस साइन है तो इसके साथ भी माइनस की साइन होगी. ओके, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज देखेंगे. ओके, नेक्स्ट सेटिस्फाइड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट हम देखेंगे क्लोज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. कि जो क्लोज वाली प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें सेटिस्फाई होगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले, दोनों भी सेटिस्फाई होगी. ओके, फर्स्ट हम देखेंगे ए प्लस बी, यानी कि ए एंड बी क्या है, हमारे पास इंटीजर है, एनी इंटीजर नंबर से ए प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर नंबर, यानी कि उसका आंसर भी इंटीजर नंबर में ही होगा. ओके, ए माइनस बी यानी कि जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो डिजिट का तो उसका आंसर भी इंटीजर में ही होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्लोज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, तो सेटिस्फाई होगी. तो हम फॉर एग्जांपल देखेंगे कि फर्स्ट कि 5 - 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 है वो इंटीजर हम बोल सकते हैं, 2 को हम इंटीजर नंबर्स बोल सकते हैं, यस. सेकंड हम लिखेंगे -4 - +2,
यानी कि उसका आंसर होगा माइनस टू। तो माइनस टू भी इंटीजर नंबर ही है, तो हम क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई। क्लोज फोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखेंगे कम्यूटेटिव एडिशन। कम्यूटेटिव का मीनिंग है कि हम डिजिट है उसको क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि डिजिट को हम अल्टरनेट चेंजेस करेंगे। ओके, ए प्लस बी होगा तो बी प्लस ए, दोनों का आंसर क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी कि ए एंड बी क्या होगा हमारे पास, इंटीजर ही होगा। एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन, और उसका हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन। ओके, एनी नंबर्स में ऐसा ही हो रहा है। ओके, थर्ड नंबर हम लिखेंगे एसोसिएटिव। तो के एसोसिएटिव का मीनिंग है थर्ड, थ्री नंबर्स हम लेंगे, थ्री नंबर्स वो क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। उसका हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट रखेंगे। ओके, दो डिजिट का ब्रैकेट, फिर उसमें थर्ड डिजिट ऐड करेंगे। उसमें भी ऐसा ही है, सिमिलर ए है तो दो डिजिट का एडिशन हम करेंगे, उसमें हम थर्ड डिजिट ऐड करेंगे। ओके, एग्जांपल हम लिखेंगे कि थ्री प्लस टू ब्रैकेट प्लस फाइव, तो उसका आंसर क्या होगा, थ्री प्लस टू यानी कि फाइव, फाइव प्लस फाइव यानी कि टेन, उसका आंसर टेन होगा। ओके, नेक्स्ट इस टाइप का हम लिखेंगे, यानी कि इस नंबर्स में ही करेंगे। ओके, थ्री प्लस टू प्लस फाइव, हमने ब्रैकेट चेंज कर दिया, इसमें हम इस दोनों को ब्रैकेट रखा था, यहीं पे हमने इन दोनों डिजिट में ब्रैकेट रखा है। ओके, तो थ्री एज इट इज प्लस फाइव प्लस टू क्या होगा, सेवन, तो सेवन प्लस थ्री क्या होगा, टेन, यानी कि दोनों का आंसर क्या हुआ हमारा, सिमिलर, यानी कि हमने क्या लिखा है, इज इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिटी एडिशन। आइडेंटिटी एडिशन क्या है, तो कि आइडेंटिटी का मीनिंग है इट्सेल्फ। क्या मीनिंग है, इट्सेल्फ। ओके, यानी कि एडिशन के अंदर जो हमारे पास एक डिजिट है ज़ीरो, जिसको हम ऐड करेंगे ना तो भी इट्सेल्फ ही होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे कि वन प्लस ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो तो ऐड होता नहीं है, क्योंकि ज़ीरो यानी कि कुछ नहीं, तो वन का वन इट्सेल्फ होता है। ओके, आंसर। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखेंगे, टेन प्लस फाइव, टेन प्लस ज़ीरो, ओके सॉरी, टेन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू टेन। ओके, यानी कि इट्सेल्फ, ज़ीरो का कुछ मीनिंग नहीं है, इसलिए ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे। ओके,